नमस्कार दोस्तों, और सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं सिंगल कलर का एक बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन लाई हूँ। इसे बनाने के लिए हमें 4 के मल्टीपल फंदे चाहिए और एक फंदा एक्स्ट्रा। हम ऐसे 4-4 करके गिने तो लास्ट में एक फंदा आना चाहिए। तो बॉर्डर बनाते हुए मैंने पहली लाइन कंप्लीट कर लिया है और ये रॉन्ग साइड है, तो अब हम इस लाइन में सभी फंदे उल्टे बना लेंगे। यदि हमें फंदे बढ़ाने हो तो हम इस लाइन में फंदे बढ़ा सकते हैं। तो राइट साइड से हमारा डिज़ाइन शुरू होता है। ये डिज़ाइन का पहला लाइन है और सामने से तो दो फंदा उल्टा बुन लेंगे, एक और दो। अब उन दूसरी ओर करेंगे और दो फंदे के बाद दूसरे और तीसरे फंदे के बीच में देखिए जो ये स्पेस है, इसमें हम ऐसे सिलाई डालेंगे। ये हमने किसी फंदे में ना डालकर देखिए दो फंदे के बीच में जो जगह है उसमें डाला है, और एक लूप निकाल लेंगे। अब इस लूप को सिलाई पे ऐसे बाएं सिलाई पे चढ़ाएंगे और लूप को और फंदे को दोनों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बनाएंगे और अगला फंदा सीधा। तो इन्हीं 4 फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है। उन अपनी ओर करना है दो फंदा उल्टा, उन दूसरी ओर करना है दो फंदे के बाद दूसरे और तीसरे फंदे के बीच में ऐसे सिलाई डालेंगे, एक लूप निकालेंगे, बाईं सिलाई में चढ़ाएंगे, लूप को और फंदे को एक साथ लेके एक सीधा फंदा बनाएंगे और अगला फंदा सीधा। तो इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट में एक फंदा बचेगा तो उसे हम उल्टा बुन लेंगे। डिज़ाइन का दूसरा लाइन और रॉन्ग साइड देखिए, पहला फंदा सीधा बुनेंगे या स्लिप कर लेंगे, उन अपनी ओर करेंगे, अगले दो फंदे उल्टे। ये जो हमने दो फंदे सीधे बनाए थे उसे रॉन्ग साइड से हम उल्टा बुनेंगे, और ये जो फंदे हमने फ्रंट से उल्टे बुनेंगे अब इधर से सीधा। तो पहला फंदा एज स्टिच है और इन्हीं 4 फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है। दो फंदा उल्टा बुनना है और दो फंदा सीधा। तो इसी तरह बुनते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। डिज़ाइन का तीसरा लाइन और सामने से, तो पहला फंदा उल्टा है, इसे हम उल्टा बुन लेंगे। अब उन दूसरी ओर करेंगे और देखिए ये फंदा उल्टा है और दूसरा फंदा सीधा है। तो पहले दूसरे वाले फंदे को यानी सीधे वाले फंदे को हम सीधा बुनेंगे और फिर उल्टे वाले फंदे को भी हम सीधा बुन लेंगे। अब देखिए अगले दो फंदे, ये सीधा फंदा है और ये उल्टा फंदा है। तो पहले ऐसे बैक लूप से सिलाई पीछे से ऐसे डालेंगे दूसरे वाले फंदे में, यानी उल्टे वाले फंदे में ऐसे बैक लूप से सिलाई डालेंगे और इसे सीधा बना लेंगे। उसके बाद सीधे वाले फंदे को हम सीधा बुनेंगे, यानी सीधे वाले फंदों को एक फंदा दाहिनी ओर, एक फंदा बाईं ओर, यानी सीधे वाले फंदे को हमने एक एक फंदे के आगे और एक एक फंदे के पीछे कर लिया। अब देखिए फिर से ये उल्टा फंदा है और ये सीधा फंदा है। तो पहले हम उल्टे फंदे को छोड़ देंगे, सीधे वाले फंदे को पहले सामने की तरफ से ऐसे सिलाई डालेंगे, सीधा फंदा बना लेंगे, फिर उल्टे वाले फंदे को सीधा बुनेंगे। अब देखिए सीधे वाले फंदे को छोड़ देंगे, पहले उल्टे वाले फंदे को ऐसे बैक लूप से पीछे की तरफ से ऐसे सिलाई डालेंगे, इसे सीधा बना लेंगे, अब सीधे वाले फंदे को सीधा बनाएंगे। तो हमने देखिए दोनों सीधे फंदे को एक एक फंदे के आगे और पीछे कर लिया। फिर से देखिए
ये उल्टा फंदा है और ये सीधा फंदा है, तो उल्टे फंदे को पहले हम छोड़ देंगे, सीधे वाले फंदे को सामने की तरफ से ऐसे सिलाई डालेंगे, सीधा फंदा बना लेंगे। अब उल्टे वाले फंदे को भी सीधा बुन लेंगे और दूसरी तरफ ऐसे बैक से सिलाई डालेंगे, पहले उल्टे फंदे को ऐसे पीछे की तरफ से सिलाई डालेंगे, इसे सीधा बना लेंगे, फिर सीधे वाले फंदे को सामने की तरफ से सीधा बुनेंगे, या फिर इन दोनों फंदों को ऐसे हम जगह बदल लें। अब सीधा वाला फंदा देखिए आगे आ गया, अब देखिए सीधा फंदा आगे आ गया, अब इन दोनों फंदों को सीधा बुन लेंगे। अगले दो फंदे का भी हम जगह बदल देंगे, ये सीधा वाला फंदा इसे हम ऐसे सामने की तरफ से ले लेंगे और ये उल्टा फंदा देखिए पहले आ गया, उल्टा फंदा देखिए हमने नीचे की तरफ से इसे लिया है और दोनों फंदों को सीधा बुन लेंगे। फिर से देखिए अगले दो फंदों का हमें आपस में जगह बदलना है, तो ये सीधे वाले फंदे को हम ऐसे लेंगे और उल्टे वाले फंदे को बाएं सिलाई में ले लेंगे। अब सीधा फंदा देखिए आगे आ गया और सीधे वाले फंदे को अब इन दोनों फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। अब नेक्स्ट दो फंदे हैं, तो देखिए उल्टे फंदे को हम ऐसे दाहिनी सिलाई में पीछे से ले लेंगे और सीधे फंदे को बाएं सिलाई में ले लेंगे। ये देखिए ये ऊपर से जा रहा है, अब उल्टे फंदे को हम बाएं सिलाई में चढ़ा देंगे, देखिए उल्टा वाला फंदा आगे की तरफ आ गया है, अब इन दोनों को हम सीधा बुन लेंगे। इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। फोर्थ रो और रॉन्ग साइड सभी फंदे उल्टे बुन लेंगे। फिफ्थ रो और फ्रंट साइड अब हम डिज़ाइन में थोड़ा सा चेंज करेंगे। ये देखिए जो फंदा हम ये लूप वाला फंदा है, तो अब हम पहले फंदे को छोड़ देंगे, दूसरे और तीसरे फंदे के बीच में ऐसे सिलाई डालेंगे, एक लूप निकालेंगे और लूप को बाएं सिलाई में चढ़ा देंगे। अब लूप को और पहले फंदे को एक साथ लेंगे, एक सीधा फंदा बना लेंगे, नेक्स्ट फंदा सीधा और ये बीच के दो फंदे इसे हम उल्टा बुन लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स ये दो सीधे फंदे यहाँ इकट्ठे हो गए हैं, तो इन दोनों फंदों के बाद हम देखिए इन दोनों फंदों के बाद दूसरे और तीसरे फंदे के बीच में ऐसे सिलाई डालेंगे, एक लूप निकालेंगे, लूप को बाएं सिलाई पे चढ़ाएंगे, लूप को और फंदे को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बनाएंगे, नेक्स्ट फंदा सीधा, फिर अगले दो फंदे उल्टे, देखिए ये दो बीच के ये दो फंदे इसे हम उल्टा बुन लेंगे। उन दूसरी ओर करेंगे, ये देखिए दो फंदे यहाँ पे सीधे इकट्ठे हुए हैं, तो इन दोनों के बाद ऐसे हम सिलाई डालेंगे, एक लूप निकालेंगे, लूप को बाएं सिलाई में चढ़ाएंगे, अब फंदे को और लूप को एक साथ लेंगे, एक सीधा फंदा बनाएंगे, अगला फंदा सीधा और ये जो बीच में दो फंदे आए हैं इन्हें हम उल्टा बुन लेंगे। तो इन्हीं चारों फंदों को दोहराते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे और लास्ट फंदे को हम सीधा बुन लेंगे, ये दो फंदा उल्टा और लास्ट फंदा सीधा। रॉन्ग साइड से जो फंदा सीधा दिखाई दे रहा है उसे सीधा बुनेंगे, यानी पहला फंदा उल्टा बुनेंगे या स्लिप कर लेंगे, नेक्स्ट दो फंदे देखिए सीधे हैं तो इन्हें हम सीधा बुन लेंगे और अगले दो फंदे देखिए उल्टे दिखाई दे रहे हैं तो इन्हें हम उल्टा बुन लेंगे।
तो सीधे वाले फंदे को सीधा बुनते हुए और उल्टे फंदे को उल्टा बुनते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। सेवेंथ रो और फ्रंट साइड पहला फंदा सीधा बुनेंगे या स्लिप कर लेंगे। अगला फंदा देखिए सीधा है तो इसे हमें इस उल्टे फंदे के बाद बुनना है, तो उल्टे वाले फंदे को ऐसे बैक लूप से हम पहले सीधा बुन लेंगे और नेक्स्ट फंदे को सीधे वाले फंदे को सीधा। अब देखिए ये उल्टा फंदा है और सीधा फंदा है, तो पहले हम सीधे वाले फंदे को सीधा बुनेंगे फिर उल्टे फंदे को सीधा। और ये देखिए अब सीधा फंदा आ गया, तो हम पहले उल्टे वाले फंदे को बैक लूप से ऐसे देखिए पीछे की तरफ से ऐसे बैक लूप में ऐसे सिलाई डालेंगे, इसे सीधा बना लेंगे बैक लूप में ऐसे सिलाई डालेंगे इसे सीधा बना लेंगे फिर सीधे वाले फंदे को सीधा बनाएंगे। अब नेक्स्ट देखिए ये उल्टा फंदा है तो इसे हमें बाद में बुनना है, पहले सीधे वाले फंदे को सामने की तरफ से ऐसे सिलाई डालेंगे सीधा बना लेंगे अब उल्टे फंदे को सीधा बनाएंगे। यानी सभी सीधे फंदे को हमें एक फंदे के आगे या एक फंदे के पीछे करना है, तो इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। तो देखिए फ्रेंड्स 8 लाइन का ये रिपीटेड डिज़ाइन है और डिज़ाइन बनके तैयार है। सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा। तो फ्रेंड्स डिज़ाइन आपके सामने है, आशा है आपको पसंद आया होगा। तो यदि आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, डिज़ाइन को अपने दोस्तों में अपने रिश्तेदारों में शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।